आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और ये हमारा पहली क्लास है और भुवन जी मेरे साथ हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल की कोर्स के बारे में पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात जान लीजिए कि हम बात करेंगे एक्सेल 365। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेल 365, राइट। बट आपके पास अगर 2016 है या 13 है कोई बात नहीं, सिमिलर है, बस कुछ नए टॉपिक, कुछ एडवांस टॉपिक इस 365 में होते हैं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अपडेटेड पढ़ाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर में जब आप ग्रेट हो तो आपको दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत ना पड़े, राइट सर। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, सबसे पहले उसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि आपको बेसिक पता है, फिर भी मैं एक फास्ट फास्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए एक्सेल का यूज सबसे पहले जान लीजिए, जो यूज क्या होगा। एक्सेल क्या है तो आपको पता ही है कि एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर हम डेटा वगैरह एंट्री करते हैं, रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन दिया जाए कि व्हाट यूज ऑफ द एक्सेल, तो एक लाइन में क्या डेफिनेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन यूज द एक्सेल फॉर द एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा, कैलकुलेट द डेटा एंड शेयर द डेटा, राइट सर। हम एक्सेल का यूज सबसे पहले करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। तो डेटा स्टोरेज में किसी तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, एक्सेल एक डेटाबेस नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे नियमों पर खतरा नहीं उतरता है। जैसे कि इसकी एक लिमिटेशन है, हैवी फाइल होने पर करप्ट हो जाती है, इसकी सिक्योरिटी बहुत वीक है, कोई भी इसकी पासवर्ड को क्रैक कर सकता है, राइट सर। तो इसलिए एक डेटाबेस नहीं है, बट SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हम जैसे लोग इसको डेटाबेस बना के यूज कर सकते हैं। तो इसमें डेटा स्टोरेज क्या होती है, तो डेटा स्टोरेज होती है एनालिसिस डेटा। जैसे कि आपने मान लीजिए कि इस महीने रिपोर्ट बनानी है, तो इस महीने का डेटा आपने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सेल पे होल्ड किया और फिर एक्सेल से डेटा को आपने रिपोर्ट्स वगैरह जो भी बनानी है उसको आपने बनाया। तो ऐसे एनालिसिस डेटा को स्टोर करते हैं, राइट सर। दूसरा काम होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए एक्सेल बहुत ही अच्छी चीज है। एक्सेल बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि अगर आप बात करें एक्सेस की, बात करें ऑरेकल की, बात करें SQL की, तो वहां पे फील टू फील्ड कैलकुलेशन होती है। बट एक्सेल में हम सेल टू सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड ऐसे यूज कर सकते हैं, और साथ में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका यूज हम कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। हर तरह की कैलकुलेशन, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टैटिकल, सारे कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद तीसरा होता है डेटा एनालिसिस, या डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह के रिपोर्ट को बनाना और उसको रिप्रेजेंट करना एक्सेल में अच्छी तरह से होता है। हालांकि अब तो पावर बीआई और टैबलू आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक्सेल का जो ये है जगह है, एक्सेल का जो यूज है वो आप नहीं ले सकते पावर बीआई से। आपको मैं कुछ सैंपल रिपोर्ट्स दिखाता हूं कि किस तरह की हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। वैसे मैंने यहां पर कस्टमर से ऐसे बहुत सारे सैंपल फाइल हैं इसमें। ये आपका कस्टमर सर्विस रिपोर्ट है, मैं यहां से मंथ चेंज करूंगा तो मेरा रिपोर्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये तो छोटी सी रिपोर्ट थी, अगर हम मैं और भी चलूँ नीचे, जैसे फाइनेंशियल डैशबोर्ड की बात करता हूँ, ये हमारा फाइनेंशियल डैशबोर्ड है जो कि हमारे फाइनेंस डेटा से ये कैलकुलेट होकर आई हुई है। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि एक्सेल का यूज को हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, बट प्रेजेंटेशन के लिए तो हम PPT यूज करते हैं ना सर। ओके, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखें।
कि मान लीजिए मुझे कस्टमर वाइज रिपोर्ट देखनी है, मैंने कस्टमर पे क्लिक किया और यहाँ से मैं अपना कस्टमर सेलेक्ट करूँगा, वो उसी कस्टमर का डिटेल दिखाएगा। मुझे इंडस्ट्री वाइज चाहिए, जैसे मुझे हेल्थ केयर का चाहिए तो देखिए हेल्थ केयर की रिपोर्ट आ गया, और मैं यहाँ से चेंज करूँगा फाइनेंस तो ये आपका पूरा फाइनेंस का रेट आ जाएगा। अगर मैं रीजन वाइज सेलेक्ट चेक करना चाहता हूँ तो रीजन वाइज मुझे मान लीजिए कि यूरोप का या एशिया का चाहिए, मुझे एशिया पैसिफिक का चाहिए तो एशिया का रिपोर्ट आ गया, और मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री भी चाहिए एशिया में फाइनेंस का चाहिए तो देखिए एशिया के फाइनेंस का रिपोर्ट है क्वार्टरली, और जो भी है सब चीज़ चेंज हो रहा है। ये चीज़ें तो पावर पॉइंट में नहीं कर सकते ना, और प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करना है कोई रिपोर्ट तो आपको हर एक के लिए, मान लीजिए मुझे कस्टमर 401 का दिखाना है तो 401 का एक अलग से मुझे स्लाइड दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए कितने कस्टमर है उतने स्लाइड बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पे हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे और हमारा रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। जस्ट सेलेक्ट किया और रिपोर्ट प्रिपेयर हो गया। ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमने यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट किया कि भाई सर्विसेज, और मेरा रिपोर्ट सर्विसेज वाइज बन के आ गया। तो इस तरह की जो एनालिसिस है, इस तरह की जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो हम बात करते हैं वीवीए में, सॉरी एक्सेल में। और इसमें आप बोलेंगे कि वीवीए का यूज किया गया है, तो नहीं नहीं वीवीए का यूज इसमें बिल्कुल नहीं किया गया, ये पूरा एक्सेल से बना हुआ है। हाँ कुछ पार्ट वीवीए में यूज किया गया बट एक्सेल से बना हुआ है पूरा का पूरा। और हम बताएंगे ये आपका डेवलपर में ये बटन्स होते हैं जिसमें वीवीए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है भुवन जी। ठीक है ठीक। हम बात करते हैं चौथा कि और सबसे मेन वो है शेयरिंग, हम रिपोर्ट को कैसे शेयर करेंगे। तो एक्सेल शेयरिंग के लिए सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को एक्सेल फाइल में, मान लीजिए आपको डेटा भेजना है तो मैं प्रेफर करूंगा एक्सेल फाइल, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेल की एप्लीकेशन हर सिस्टम में होगी। अगर एक्सेल की एप्लीकेशन नहीं होगा तो एक्सेल व्यूअर होगा, एक्सेल ORG होगा, ऐसे हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो जीमेल पे ही फाइल को ओपन करके देख सकता है। अब इससे अच्छे से सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर BI है, टैबलू है, ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी शेयरिंग जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सिस्टम में पावर BI या ये चीजें होना पॉसिबल नहीं है कि हर सिस्टम में होगा, राइट? हर सिस्टम में ये होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट सर? तो अगर मैंने पावर BI की रिपोर्ट बनाई तो मुझे आपको मेल करने के लिए सोचना होगा, क्योंकि पावर BI आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको वेब वर्जन में दे दिया या फिर PDF में दे दिया तो कोई रिपोर्ट का फायदा नहीं होगा, डेटा वेटा आपको नहीं मिलेगी इस कारण से। इसलिए एक्सेल का चौथा यूज होता है शेयरिंग। तो हम कह सकते हैं कि हम एक्सेल का इस्तेमाल जो है एक्सेल का यूज करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा कैलकुलेशन के लिए, डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए, और डेटा शेयरिंग के लिए। और ये जो रिसर्च है मेरी रिसर्च से, हो सकता है इसमें थोड़ी सी अपडेट हो या थोड़ा सा गलत भी हो, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है मेरा कि हाँ हम एक्सेल का इस्तेमाल इन चीजों के लिए करते हैं। अब एक्सेल की जो ये थी लिमिटेशन थी वो भी मैंने बताया आपको कि इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है इसमें डेटा 10 लाख तक का रो आता है। दूसरी चीज है कि डेटा अगर हेवी होता है तो एक्सेल करप्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने इसमें पासवर्ड डाल दिया तो पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है इजीली, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आपने फाइल कहीं रख दिया है तो इजीली कोई फाइल को डिलीट कर सकता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है एक्सेल में, और आपके साथ भी कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई होगी सर, राइट सर? अब हम बात करेंगे कोर्स को हम कैसे करेंगे। तो कोर्स हम आपका यूज स्टार्ट करेंगे मेनू वाइज, जैसे कि सबसे पहला आपका फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में कोई खास चीज सीखने को नहीं है क्योंकि इसमें नॉर्मली है, जैसे आप न्यू पे क्लिक करें तो नया फाइल लेते हैं, और ये आपके टैंपलेट्स है, टैंपलेट का यूज कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा टैंपलेट्स का, अब टैंपलेट्स को जब टाइम मिले तो स्टडी कीजिएगा। टैंपलेट क्या है? ये बने बनाए आपके फॉर्मेट है, इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैलेंडर, मीटिंग कैलेंडर वगैरह चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इनवाइस का फॉर्मेट चाहिए या बजट का फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या अटेंडेंस का फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
इसका यूज मैं करता था ऑफिस में, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि हमारे बॉस इस तरह की रिपोर्ट बोल देते थे बनाने के लिए जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अब जैसे मैं अकाउंट का बंदा था, उन्होंने बोला यार बैलेंस शीट बना दो। अब मुझे पता नहीं कि बैलेंस शीट में क्या क्या हेडिंग्स होते हैं, किस तरह का दिखता है। तो हमने यहाँ पे गया और सर्च किया बैलेंस शीट आ गया, क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट किया, मुझे बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल गया। अब खैर तो मैं इसी को मॉडिफाई कर दूँ, चेंजमेंट्स करके इसी को यूज करूँ, या फिर इससे मुझे आइडिया लग गया कि इस तरह की चीज़ें होती है, तो अब मैं उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट क्रिएट कर लूँगा। तो ये आपका बहुत अच्छी चीज़ है, यह मैं हर किसी को बोलता हूँ सर। ठीक है भुवन जी, ठीक है। तो टैम्पलेट का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें तो बाकी जो नॉर्मल है जो चीज आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक आपका एक्सेल का हेडिंग सेटिंग होता है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन में जाते हैं आप, तो इसमें आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट, अब मान लीजिए कि डिफॉल्ट आपका कैलिवरी फॉन्ट होता है, तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट को चेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑथर नेम वगैरह फिक्स कर सकते हैं कि आपका फाइल का ऑथर नेम फिक्स होता है, कि कोई भी इसको देख के बता दे कि इस फाइल को किसने बनाया है। उसके बाद अगर हम बात करें सेव में, तो यहाँ पे सेव का फॉर्मेट फिक्स कर सकते हैं। हालांकि वीवीए वगैरह में इसका यूज करते हैं, क्योंकि हर फाइल को मुझे माइक्रोनेबल वर्कबुक में सेव करना होता है। गलती से फाइल को अगर मैंने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो मेरा फाइल डिसेबल हो जाएगा, इसलिए। उसके बाद मैं फाइल का डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ से चेंज कर दूंगा। इस तरह के जो चेंजिंग होते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही एडवांस में जैसे आप एंटर मारे तो डाउन जाए या लेफ्ट जाए राइट जाए, यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। आपको जो फिल हैंडल करना है उसको अनेबल करना, और ऐसे ही यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, इसको आपको देखने से आपको पता चल जाएगा। जैसे सीट टैब को चेक कर दूंगा तो सीट का नाम नीचे नहीं शो होगा, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक अच्छा ऑप्शन है वो है एडिट कस्टम लिस्ट की। अब इसको एक बार देखा देख लीजिए क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पूजा और नीचे हमने इसको ड्रैग किया, क्या हो गया, ये आपके सिस्टम में नहीं आया ऐसा। सॉरी सर, मेरा मोडम रीस्टार्ट स्टार्ट हो गया था सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। वो पावर फ्लैग शूट किया था ना, इसलिए स्टार्ट हो गया था। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमने इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ इसको ड्रैग किया, मान लीजिए हमने पूजा, यहाँ पे पूजा लिखा, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, मैंने पूजा टाइप किया और नीचे की तरफ ड्रैग किया तो मेरे बाकी नेम आ गया। ये आपके सिस्टम में नहीं हुआ, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कि आप में क्या होता है, जस्ट आप में होगा कि जैन लिखेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो जैन पहला आएगा। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि आपने संडे लिखा तो संडे मंडे आएगा, लेकिन मेरी लिस्ट यहाँ पे आता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, आपके पास ऐसे कुछ लिस्ट होंगे जिसको आप बार बार कॉपी पेस्ट करते होंगे, या फिर आप करते होंगे टाइप करते होंगे, राइट। तो ऐसे लिस्ट के लिए आप यहाँ एक्सेल ऑप्शन में आए एडवांस में और यहाँ इजी टू एक्सेस में आ सकते हैं, कस्टम लिस्ट। यहाँ पे देखिए कस्टम लिस्ट आपको दिख रहा होगा, कस्टम लिस्ट में आप यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट आपका ये चार होता है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे मैंने बना रखा है। और ये एप्लीकेशन की सेटिंग होती है कि कभी भी किसी भी फाइल में इसका यूज कर सकते हो। न्यू लिस्ट पे जाइए और यहाँ पे लिस्ट इंसर्ट कर दीजिए इस तरह से, या फिर कहीं है तो सिलेक्ट करके ऐड भी कर सकते हैं। बहुत यूजफुल है, आगे चल के इसको आप सॉर्टिंग में भी अरेंज दे सकते हो कि मुझे आप चाहते हो कि आप मेरे हिसाब से शॉर्ट हो, तो आप अपना शॉर्ट का सीक्वेंस यहाँ पे डाल दीजिए, उसी हिसाब से शॉर्ट होगा आपका। ठीक है सर। कस्टमाइज रिबन में अब जैसे कि यहाँ मेनू बार में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आप कमांड नॉट इन रिबन,
अब ये देखिए इसमें से बहुत सारे कमांड मेनू बार में नहीं है, आपकी ज़रूरत है सेलेक्ट कीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने में दिक्कत होता है तो यहाँ ग्रुप बनाइए और ऐड कर लीजिए। किसी मेनू बार को लाना है, किसी मेनू बार को हटाना है, यहाँ से हटा सकते हैं। या कुछ खुद के मेनू बार क्रिएट करना है तो आप न्यू टैब में करके खुद के मेनू बार क्रिएट करके फिर इनमें फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर सर? अब इसमें आपका एडिंस जो कि हम रात आप मुझसे पूछ रहे थे एडिंस, तो एडिंस जो होता है वो होता है कुछ एडिंस सिस्टम डिफाइन होते हैं, कुछ एडिंस आप अलग से भी लेके आ सकते हैं बने बनाए फाइल। ये एडिंस यहाँ होता है, जैसे देखिए ये सब एडिंस दिख रहा है आपको सर। मैं एक्सेल एडिंस की बात करूँ तो देखिए ये फॉर्म जो दिख रहा है मेरे बनाया हुआ एडिंस है, ये एक्सेल पासवर्ड प्रो रिमूवर जो है मैंने डाउनलोड किया था तो वहाँ से मैंने ऐड कर लिया, और बाकी ये तो सिस्टम का ही है, सॉल्वर सिस्टम का ही है। तो इस तरह के एडिंस आप यहाँ से ला सकते हैं या हटा सकते हैं। तो एक बार फाइल मेनू बार को अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई ऐसी ऑप्शन हो तो आप मुझे बात कर लीजिएगा। अब बात करते हैं होम में, तो होम में आपका कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल वगैरह है, फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, तो ये चीज़ आप जानते ही होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे आप बोलिएगा, मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा। ठीक है सर? जो 6 AM का बैच आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसका आज टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हुआ है जो मैंने बताया है, ओके। बट इसकी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने नहीं कराई है क्योंकि इसमें फॉर्मूले की जरूरत है जो कि हम आगे क्लास में आपके साथ कराएंगे। अगली क्लासेस जो होगी प्रोटेक्शन मेथड का, ये जो फॉर्मेट का जो प्रोटेक्ट सीट है या रिव्यू में आपका प्रोटेक्शन मेथड है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर सीखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी सीखने में, सो प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास एक्सेल की कितनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तो आप सीख सकते हैं।